अमिताभ बच्चन के घर पर हुई राजीव और सोनिया की शादी। सोनिया का कन्यादान किया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने, और इस शादी में सोनिया के भाई की भूमिका निभाई थी अमिताभ ने। फरवरी 2007 में बच्चन परिवार ने गांधी परिवार से अपनी पुरानी दोस्ती का ख्याल रखते हुए विवाह की दावत दी। मौका था अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी का, लेकिन अमिताभ बच्चन के इस निमंत्रण पर गांधी परिवार का कोई आदमी उस विवाह में शामिल नहीं हुआ। शादी के वक्त अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन जीवित थी, वही तेजी जिन्होंने सोनिया को बेटी मानकर दुल्हन की तरह सजाकर गांधी परिवार की बहू बनने के लिए डोली में विदा किया था। पोते अभिषेक की शादी में वो अपनी बेटी की मौजूदगी चाहती थी, लेकिन सोनिया नहीं आई। इंदिरा का यूं दुनिया से रुखसत हो जाना राजीव के लिए किसी सपने से कम नहीं। इस मुश्किल वक्त में राजीव को अमिताभ बच्चन की दोस्ती का मजबूत कंधा मिला। इंदिरा की अंतिम यात्रा में भी अमिताभ राजीव के साथ थे। राजीव जब इंदिरा की चिता को आग दे रहे थे तो उन्हें संभालने के लिए बिल्कुल करीब खड़े थे अमिताभ। लेकिन दिसंबर 2007 में ये करीब ही टूट गई। तेजी बच्चन ने आंखें मूंद ली, लेकिन आखिरी दर्शन के लिए बिटिया सोनिया गांधी नहीं पहुंची। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी नहीं पहुंचे। 8 फरवरी 1997 को सोनिया की बेटी प्रियंका की शादी थी। अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक के साथ इस शादी में शामिल हुए, पर सबसे पहली बार पक्के तौर पर इस दरार का पता चला फरवरी 1997 में, जब अमिताभ की बेटी श्वेता की शादी में ना तो राहुल प्रियंका आए और ना ही सोनिया। वजह थी अगले दिन प्रियंका गांधी की शादी। 24 अकबर रोड किताब में जिक्र है कि गांधी परिवार में इस बात को लेकर नाराजगी थी। 1984 जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, गम की उस घड़ी में पूरे देश की तरह अमिताभ भी राजीव के साथ खड़े रहे, लेकिन इस घटना ने राजीव और अमिताभ की दोस्ती में नया दौर शुरू किया। राजीव को सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि अपने जिगरी दोस्त का हर कदम पर साथ चाहिए था। राजीव ने इशारा किया और अमिताभ फिल्मों में अपना भरा पूरा करियर छोड़कर राजनीति में आ गए। 90 का दशक खत्म होते होते अमिताभ पर उम्र हावी हो चुकी थी और उन्होंने ABCL नाम से प्रोडक्शन कंपनी खोल ली, लेकिन बिजनेस का ज्यादा तजुर्बा न होने की वजह से अपने हाथ जला बैठे और भारी कर्ज तले दब गए। अमिताभ का बंगला तक नीलाम होने की हालत में आ गया। ऐसे आड़े वक्त में उन्होंने खुद को अकेला पाया। जब अमिताभ जी और हमारा परिवार बहुत तकलीफ में थे, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। इस परिवार, गांधी परिवार, नेहरू परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया है। वो राजा हैं, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। रंक नहीं निर्धारित कर सकता।